हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? को मेरा प्यार भरा प्रणाम और स्वागत है आपका पहाड़ी भाई लोग यूके वाले चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण नौटियाल और मेरे गांव का नाम है मिसर गांव, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धनारी क्षेत्र में पड़ता है। अभी बज गया है सुबह का 9:30 और मेरा आज का ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है। तो आज का ब्लॉग जो है मेरा स्टार्ट हो रहा है बेमुंडा खाल हरीश भाई के फार्म से। तो यहाँ पर जो है धूप काफ़ी लेट में आती है, मतलब कि अभी अभी आ रही है 8:30-9 बजे करीब यहाँ पे धूप आती है। तो अभी जो है यहाँ पे प्रॉपर धूप नहीं आई, लेकिन जो है पीछे साइड जो है पूरी धूप आ गई है। तो अभी जो है हरीश भाई और उन्होंने जो है सारे डॉग को जो है खाना भी दे दिया है। तो ये यहाँ पे इनका चूल्हा है, यहाँ पे बनता है भोटिया डॉग के लिए जो है खाना। तो लकड़ी जलाई जाती, फिर जो है चूल्हे पर बनता है खाना। तो ये जो है यहाँ पर इनका चूल्हा है। तो कुछ डॉग यहाँ पर रहते हैं, कुछ यहाँ पर रहते हैं, कुछ जो है इधर रहते हैं आगे। तो अभी जो है सारे डॉग खोल रखे हैं और उधर है आगे, सभी डॉग जो है अभी धूप सेक रहे हैं और सारे बच्चे भी जो है उधर ही है धूप पे रखे हुए अभी। तो हरीश भाई के पास में जो है यहाँ पे अभी 18 से 20 बच्चे हैं। तो अगर आपको बच्चे चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको जो है हरीश भाई का नंबर दे दूँगा। तो चलो फिलहाल जो है पहले नाश्ता पानी करते हैं। यहाँ पर जो है उमेश अभी थोड़ा नीचे जा रखा है रोड पे, किसी कुत्ते को देने जा रखा है, मतलब कि कुत्ते के बच्चे को डिलीवरी देने को। वहाँ से जो है डिलीवरी वाला लेके जाएगा फिर। तो अभी थोड़ी देर में उमेश भी आ जाएगा, फिर जो है थोड़ा नाश्ता करेंगे, फिर मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे अगर आते हो आप तो बेमुंडा में आइए, और बेमुंडा से जो है हरीश भाई का फार्म जो है 10 मिनट की दूरी पर है। तो इधर साइड है रोड, तो रोड से और यहाँ आने में जो है 10 मिनट लगता है। अगर आप आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं फार्म, डॉग लेना चाहते हैं, डॉग के पति अगर लेना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो चलो अब थोड़ा नाश्ता पानी बनाते हैं, नाश्ता पानी खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी बज गया है दिन का 1 और अभी हमारा खाना पीना भी हो गया है। तो आगे समय जो है नाश्ता तो बनाया नहीं, सीधे डायरेक्ट खाना बनाया। तो अभी हमने खाना भी खा लिया है और यहाँ पे जो है ये बन रहा है अभी यहाँ पे डॉग का खाना श्याम के लिए। सुबह का खाना तो उन्होंने खा लिया है और ये जो है यहाँ पे श्याम का खाना बन रहा है। तो यहाँ पे उमेश बना रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी जो है यहाँ से धूप निकल रही है। ये देखिए यहाँ पे जो है 2-3 घंटा धूप रहती है और अभी जो है धूप इधर है थोड़ा आगे। तो यहाँ पर जो है डॉग भी सारे इधर ही है खेत में खोल रखे और बच्चे भी हैं वहाँ पर। तो चलो एक बार आपको डॉग को दिखाते हैं। चलिए जी अब चलते हैं हम आगे, डॉग दिखाते हैं आपको। तो ये है यहाँ पे उमेश, जो कि यहाँ पे लड़का काम करता है। और ये देखिए ये जो है बच्चों को दे रहा है अभी आटे का बाड़ी, आटे का बाड़ी है ना ये। तो ये है, ये जो है ये थाली भी दे रहा है। ये है यहाँ पे कुछ बच्चे, 3-4 बच्चे ये है यहाँ पे, कुछ जो है नीचे है। और ये है यहाँ पे बड़े बड़े डॉग। तो ये जो है सीनू है, ये वाली फीमेल है और ये है मास्टर, और कुछ जो है नीचे है। हट जा मास्टर, हट 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 हट। ये देखिए कुछ बच्चे जो है ये खा रहे हैं यहाँ पे, ये और हरीश भाई भी दे रहे हैं इनको। और कुछ बच्चे ये है, एक जो है यहाँ पे ये फीमेल है, इसका नाम है काली। और कुछ जो है वो है सामने जेरी और किया। तो ये देखिए किस प्रकार से खाते छोटे छोटे बच्चे खाना। यहाँ से नीचे आए, ये देखो कुछ ये खा रहे हैं, कुछ ये खा रहे हैं। इनका खाना जो है थाली में डालते हैं, ठंडा भी हो गया है और ये खाते हैं। ये देखिए 3-4 ये खा रहे हैं, कुछ ये है यहाँ पे, कुछ जो है ये कोई खा लेंगे तो उनको अंदर छोड़ेंगे, फिर जो है अंदर से बाहर लेकर आएंगे। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नंबर दे दूंगा आपको हरीश भाई का। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे।
अभी जो है सभी बच्चों ने खाना खा लिया। ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे, अगर चाहिए आपको तो आप जो है ले सकते हैं, मैं आपको नंबर दे दूंगा हरीद भाई का। ये देखिए कुछ ये है, कुछ ये है यहाँ पे आगे पे, ये देखिए कुछ ये है यहाँ पे, कुछ ये खेल रहे हैं यहाँ पे, और कुछ ये है, ये देखिए पूरा डंडा ही उठा रहा, और चार बच्चे ये यहाँ, और कुछ जो है ऊपर है अभी। तो यहाँ पे जो है पूरे हो रखे हैं इनके 15-20 बच्चे, ये देखिए प्योर भोटिया। तो बाकी कुत्ते जो है ये यहाँ पे बैठ रखे, बड़े वाले जो है ये मास्टर है यहाँ पे, ये किया है, और ये है यहाँ पे काली, और फिर यहाँ पे ये है सीनो, इसके बाद में है जेरी, ये देखिए जेरी है, उसके बाद में सीनो है, और ये है काली, और ये है यहाँ पे किया सो रखी। तो किया जो है आजकल बहुत कमज़ोर हो रखी है, और ये है मास्टर। मास्टर ले ले ले, ये मास्टर है, और ये देखिए ये किया आराम कर रही है मस्त करके ये, और ये मास्टर ले, मास्टर ले, ये पकड़ा प्योर भोटिया। पीछे खेत से भी आ गया हूँ इधर, तो यहाँ पे जो है मेज बना रहा है अभी मस्त करके खाना डॉग के लिए। ये देखो यहाँ पे जो है बहुत बड़ा पतीला चढ़ा रखा है, और ये जो है डॉग के लिए खाना बना रहा है अभी। तो अब जो है हम भी चाय बनाते हैं अपने लिए, चाय पीते हैं फिर मिलते हैं आपको। और ये देखिए यहाँ पर जो है मास्टर आराम से बैठ रखा है, तो ये जो है उमेश के ही साथ में रहता ज़्यादा, और धूप तो यहाँ से निकल गई है। तो अब चाय बनाते हैं फिर मिलते हैं आपको। तो अभी जो है शाम का बज गया है 4:30, और ये देखिए सभी डॉग का जो है खाने का टाइम भी हो गया है, और ये देखिए उमेश ने जो है सभी डॉग को दे दिया खाना यहाँ पे। तो ये है जेरी, और ये है मास्टर, ये है किया, और ये यहाँ पे काली है, ये है काली है, ये है यहाँ पे सीनो। तो सीनो जो है बड़े प्यार से खा रही है, और ये जो है यहाँ पे जेरी है, जेरी, और यह है यहाँ पे मास्टर। तो मास्टर ने तो खा दिया भाई, ये देखिए, और यह है यहाँ पे किया। तो किया भी जो है मस्त करके खा रही है, ये देखिए, और ये काली है, तो ये देखिए अभी जो है मस्त करके सभी लोग खा रहे हैं खाना। अभी बज गया है शाम का 6:30, और अभी जो है यहाँ पे पूरा अंधेरा हो गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो है डॉग ने खाना भी खा लिया है, और सारे डॉग जो है अभी इधर जा रखे हैं खेत में। तो रात भर जो है हरीश भाई इनको खेत में ही छोड़ते हैं, क्योंकि ये जो है भोटिया है, इनको जो है ठंडी में ही रहना पसंद है। आजकल तो ठंडी काफ़ी है, लेकिन फिर भी जो है ये डॉग बाहर ही पर रहते हैं, इधर है खेतों में, खाना खा के जो है उधर ही रहते हैं, दिन में भी उधर ही रहते हैं और रात को भी उधर ही रहते हैं। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको कि रात को जो है भोटिया डॉग किस प्रकार से जो है गार्डिंग करते हैं। तो चलो चलते हैं खेत की तरफ। तो यहाँ से मैं चले गया आगे, और यहाँ पे जो है थोड़ा अंधेरा भी है, और यहाँ पे हरीश भाई ने लाइट की व्यवस्था भी कर रखी है। ये देखिए एक बल्ब यहाँ पे लगा रखा ऊपर, और एक जो है सीधे आगे है। तो ये देखिए जो छोटे बच्चे हैं वो जो है इसमें रख रखे हैं, इसको पूरा ढक रखा है, इसमें जितने बच्चे हैं सारे यहाँ पे हैं, और जो बड़े डॉग है वो जो है खाना खा के यहाँ बैठ रखे हैं। ये देखिए यहाँ से नीचे सीढ़ी है, तो सीढ़ी पे चलता हूँ मैं। ये देखिए ये खेत है यहाँ पे पूरा, और इधर जो है चारों तरफ से जो है ये तारवाड़ी हो रखी है, और यहाँ पे जो है दिन में बच्चे रहते हैं। इधर से मैं आगे चला तो ये देखिए ये सो रखे यहाँ पे कुत्ते, ये है किया, और ये है यहाँ पे काली। रात को जो है इनकी आंखें बहुत ख़तरनाक ढंग से चमकती है, ये देखिए इसकी तो नहीं चमक रही। किया इधर देख बेटा, ये देखो ये किया है, और ये है यहाँ पे काली। काली ये मस्त करके जो है अभी आराम कर रहे हैं, और थोड़ा भी अगर कुछ इनको भनक लगती है
ये जो है भयंकर खूंखार हो जाते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे मास्टर है, मास्टर यहाँ पे मास्टर है, और ये है यहाँ पे आगे पे जेरी, नहीं ये है यहाँ पे सीनू, सीनू ये सीनू है। तो ये जो है यहाँ पे चार पांच कुत्ते जो है बारी पे है, और जेरी जो है अभी उधर आगे है फार्म के सामने, वो भी जो है थोड़ी देर में आ जाएगी इधर। तो ये देखिए यहाँ पे जो है पूरा अंधेरा हो गया है, और ये डॉग जो है पूरा रात भर जो है यहीं रहते हैं इन्हीं खेतों में। ये यहाँ पे हरीश भाई ने यहाँ पे लाइट लगा रखी है रात के लिए, और अपना आप जो है रूम उधर है, और बच्चे यहाँ पे रख रखे हैं, और यहाँ पे जो है ये डॉग गार्डिंग करते हैं रात को। कुछ भी जीव जंतु अगर दिखाई देता रात को तो भयंकर भौंकते हैं। अभी जो है मस्त करके आराम कर रहे हैं। इधर से मैं थोड़ा आगे चलता हूँ तो ये देखिए चारों तरफ से जो है यहाँ तारबाड़ी हो रखी है। ये देखिए इधर से ये खेत नीचे भी है, यहाँ भी है, इधर से ये पूरा, ये चारों तरफ से जो है तारबाड़ी हो रखी है। ये देखिए और कुत्ते जो है वहाँ पे अभी, और यहाँ पे ये लाइट लगा रखी है, तो इधर से जो है पूरा आगे तक जो है उजाला ही उजाला हो रहा है। कुछ भी अगर कुत्तों को लगता है कोई जानवर आ गया तो सारे कुत्ते जो है एकदम खूंखार हो जाते हैं। तो चलो अब मैं भी यहाँ से वापस चलता हूँ रूम पर, और अब जो है हम खाना पीना खाते हैं, क्योंकि उमेश ने जो है खाना भी बना लिया है। तो अब जो है खाना पीना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अभी बज गया है रात का 8, और अभी हमारा खाना पीना भी हो गया है। तो यहाँ पे जो है ठंडी इतनी भयंकर है कि खतरनाक वाली, मेरे को जो है जैकेट पहनना पड़ा और टोपी भी पहननी पड़ी। और ये जो है यहाँ पे उमेश है, उमेश जो है यहाँ पे चूल्हे पे आग सेक रहा है, और हरीश भाई जो है ऊपर है। तो यहाँ पे जितने भी डॉग है वो जो है सारे इधर है खेत में। तो घोटिया जो डॉग होते हैं वो रात को जो है बाहर ही रहते हैं, ठंडी हो चाहे गर्म हो। गर्मी में तो आ भी जाते हैं वो अंदर, लेकिन ठंडी में जो है पूरे वो बाहर रहते हैं। चलो उनको भी रहने देते हैं, और जैसे कोई अगर जानवर दिखे तो फिर जो है रात को एकदम खूंखार हो जाते हैं। अभी तो बिल्कुल एकदम शांत है वो, लेकिन जैसे कुछ उनको लगेगा शब्द तो पूरे जो है एकदम सारे डॉग खूंखार हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों अब आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलो आज के ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देव भूमि उत्तराखंड।